पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान की जमीन पर एक पाकिस्तानी नागरिक शाहिद लतीफ की हत्या की। इस बयान के साथ ही काजी ने भारत पर कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि भारत ने सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की भर्ती की थी और इसके लिए प्रतिभाओं को खोजने के लिए ISIS के नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था। फाइनेंसरो, लोकेटरों और हथियारों की टीम के काम के साथ ऑपरेशन के अलग अलग एजेंट्स को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस सज्जाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि दो भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद, पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान की जमीन पर एक पाकिस्तानी नागरिक शाहिद लतीफ की हत्या की है। इस बयान के साथ ही काजी ने भारत पर कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि भारत ने सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की भर्ती की थी और उसके लिए प्रतिभाओं को खोजने के लिए ISIS के नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। फाइनेंसरों, लोकेटरों और हथियारों की टीमों के काम के साथ ऑपरेशन के अलग अलग एजेंट्स को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस सज्जाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि दो भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद पाकिस्तान में दो पाकिस्तानियों की हत्या में शामिल है। विदेश सचिव ने आगे दावा किया कि संचार के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का उपयोग भी किया गया था और मोहम्मद अब्दुल्ला अली को अन्य देशों में बिचौलियों के माध्यम से भुगतान किया गया था। भारतीय एजेंट्स ने रावलाकोट की मस्जिद में पाकिस्तान के एक और नागरिक मोहम्मद रियाज की हत्या के लिए एक हत्यारे को हायर किया। कनाडा और अमेरिका के बाद अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत पर उसके नागरिकों की हत्या का संगीन आरोप लगाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि हमारी जमीन पर दो पाकिस्तानी नागरिकों के हथियारों और भारतीय एजेंट्स के बीच संबंधों के पुख्ता सबूत हैं। भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान की जमीन पर एक पाकिस्तानी नागरिक शाहिद लतीफ की हत्या की और भारतीय एजेंट्स ने रावलाकोट की मस्जिद में पाकिस्तान के एक और नागरिक मोहम्मद रियाज की हत्या के लिए एक हत्यारे को हायर किया। हमारे पास उनके कबूलनामे और पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान में हत्यारों को अंजाम देने के लिए विदेशी सरजमीं पर तकनीक का इस्तेमाल किया। हाल ही में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर इस तरह का आरोप लगाया है। इससे पहले साल 2021 में जोहर टाउन में हाफिज सईद पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पर आरोप लगाया था और दस्तावेज भी जारी किया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इन आरोपों में उसकी मदद कनाडा और अमेरिका जैसे देश कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे ही आरोप भारत के खिलाफ लगाए हैं। 19 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा की नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही है और अमेरिका ने ट्रूडो का समर्थन किया था। अब देखना यह है कि कनाडा और अमेरिका की जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम।